أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه

अल्लाह हम सबको इखलास की दौलत अता फरमाए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया <coughs> तीन मकसद से जो शख्स इल्म हासिल करता है अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा इल्म हासिल करना हम लोग इसीलिए आए हैं इल्म हासिल करें इल्म हासिल करने का एक मकसद होता है कि अल्लाह पहचान में आए अल्लाह हम पर रहम करे अल्लाह हमको जन्नत में दाखिल करे अल्लाह के नबी सासर में फ़रमाया अगर कोई शख्स आलिमों से झगड़ा करने के लिए इल्म हासिल करता है ऐसे लोग भी हैं आ, पहले बोलते थे वो चूहे को सोट का टुकड़ा मिला तो उन्हें पंसारी की दुकान लगा लिया पंसारी का दुकान बोले तो मालूम याकूबिया मस्जिद के पास एक ज़माने में लुदीन से दुकान रहते थे एक बीस साल पहले आप देख रहे हैं अभी भी है अखरोटा ये वो बेचते थे वो ज़माने में बीस साल पहले तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने इस हदीस में यही फरमाया कि अगर कोई शख्स इस नीयत से इल्म हासिल करता है कि लियुमा अभी ही आलिमों से झगड़ा करे या बेवकूफ़ों से बहस करे ये दूसरा मकसद और लिया शरीरफा या लोगों में आइकॉनिक बन जाए लोग उसे वाह वाह बोलें अगर ये तीन मकसद से अगर कोई इल्म हासिल करता है अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा ऐसा शख्स उलमा से बहस करने से झगड़ा करने के लिए नहीं बे नादानों से अहमकों से बहस करने के लिए नहीं या लोगों में बड़ा बनने के लिए लोगों को अपना फॉलोअर बनाने के लिए ये मकसद ना हो मेरे नबी ने अल्लाह से दुआ किया या फि ऐसा इल्म मुझे अता फ़रमा जो नफ़ा बख्श जो मुझे नफ़ा देने वाला हो ये आज का जो हमारे सामने जो मौजू है वो हज़्ज़तुल विदा से मुतालिक है तो हज़्ज़तुल विदा हजतुलविदा हज़्ज़तुल विदा अल्लाह के नबी नबीम ने हजतल के मौके पर यह खुतबा दिया था आपको मालूम है बहुत मशहूर खुतबा है उसके लिए अल्लाह के नबी नबीम ने लोगों को खामोश किया लोगों खामोश रहो ऊँटनी पर सवार हुए और अल्लाह के नबी नबीसम बोलते थे और दूसरे बोलने वाले अल्लाह के नबी नबीम का पैगाम पहुँचाते थे इतना असर अल्लाह ताला ने आपके खुतबे में दिया था कि आप ऊँटनी पर बैठकर कर खुतबा बोल रहे थे खुतबा दे रहे थे साहबा अपने ख़ैमों में बैठकर कर खुतबा सुन रहे थे वो ज़माना कोई स्पीकर का ज़माना था ये अल्लाह का करम था ये इतना ऐसा खुतबा है इसीलिए इसको मौजू के तौर पर रखा गया है टॉपिक के तौर पर इस हदीस के अल्फाज हैं वो अरफे का दिन था नौजिलहिजा अरफे का दिन था हती जालती शम्स सूरज जब ढल गया अरफे के दिन अल्लाह के नबी सल्लम ने अपनी ऊँटनी जिसका नाम खुसवा था उस ऊटनी पर रहल डालने का हुक्म दिया रहल सीट डाला गया फतलवादी अल्लाह के नबी नबीम बतन वादी जगह का नाम है वहाँ आए फन्ना लोगों को खुतबा दिया तो क्या कहा नदिमाकुम लोगो तुम्हारा ख़ून व अमव हरामुम कुरमत योम हादा जैसे आज के दिन नौ हिज्जा के दिन की हरमत है वैसे ही तुम्हारा खून एक दूसरे के लिए हराम है तुम्हारा माल एक दूसरे के लिए हराम है जैसे ये महना मुकद्दस है और हुरमत वाला है फी बल अधिकुम जैसे तुम्हारा ये शहर मुकद्दस है मक्का मुकर्रमा मुकद्दस शहर है वहाँ किसी दुश्मन को कत्ल नहीं किया जाएगा हरम में किसी जानदार को मारा नहीं जाएगा किसी का शिकार नहीं किया जाएगा सिवाय उन चीजों के जो आपको नुकसान पहुंचाती हूँ ठीक है तो यह हदीस जो बड़ी है जिसमें बताया गया अला कुल्लू शई मिन अम्रिल जाहिलिया पहली चीज आपने सुना अल्लाह के नबी से फरमाया कि खून और माल एक दूसरे पर हराम है बड़े हुरमत वाले हैं लियत के ज़माने की जो भी बातें हैं मैं उसे अपने क़दमों के नीचे रौनता हूँ व इन अवल अदमिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल तो दिया उसके बाद अपनी तरफ से पहला एग्ज़ाम्पल भी दे दिया कहा कि व इन इब्नु अमा इनादम अल-हारिस सबसे पहला खून जो मैं माफ़ करता हूँ वो रबिया बिन हारिस का है वो एक कबीले में दूध पिलाए जा रहे थे छोटे बच्चे थे दूसरे कबीले वालों ने उनको कत्ल कर दिया अब उनका रिवेंज लेना था और उसको लेकर लड़ाइयाँ होती थी अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसका खून माफ़ करता हूँ अब उसके खून के बारे में हमसे लड़ाइयाँ नहीं होंगी उसके बाद कहा वीबलिय मौदू जाहिलियत के ज़माने में जो सूद लिया जाता था इंटरेस्ट लिया जाता था मैं उसे भी ख़त्म करता हूँ पहली बात क्या मालूम हुई अगर आप दाई हैं अल्लाह की तरफ बुलाते हैं लोगों को किसी बात की तलकिन करते हैं तो पहले अपने से शुरू करें अल्लाह के वसल्लम ने अपने कबीले का खून माफ़ कर दिया अपने से मुतल सूद को माफ़ कर दिया जो उनके इसके खानदान के तौर से था और कहा रिबन वीबन रिबानाबास और कहा कि ये जो अब्बास बिन मुत्तलिब का जो इंटरेस्ट है मैं उसको पूरे को ख़त्म कर देता हूँ तो पहली बात मालूम हुई कि आप और हम दाई हैं तो सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें अपने से काम का आगाज़ करें ताकि हमारा काम ताुर वाला हो हमारा काम असरअंदाज हो सके यानी उस पर लोगों को असर हो सके पहले हम अमल करें बाद में दूसरों को बोले लोग यही बोलते हैं भाई आप लोग तो अमल करते नहीं बस हमको बोलते रहते हैं और फिर अल्लाह के नबी से असल में फरमाया पतक औरतों के मामले में डरो औरतों में के मामले में क्या डरना है औरतों के मामले में क्या डरना है कहा कि औरतों के हकूक अदा करने के बारे में अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो तो आज जैसे हम लोग देख रहे हैं हालत ऐसी है कि इधर शादी हो के दो चार दिन गुजरते नहीं हैं कि शुरू हो जाता है शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती दो चार दिन भी नहीं होते हैं शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती हैं तो अल्लाह के नबी फरमाया कि अगर शरीयत के मुताबिक हम चलते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी ख़त्म हो जाएंगी फतः फिनसा औरतों के मामले में तुम अल्लाह से डरो क्यों फ्न कुम बिअमानतिल्लाह अल्लाह ताला की अमानत ये अमानत है जो तुम्हारे हाथों में सुपुर्द की गई और एक हदीस में बताया गया अल्लाह ताला तिल्ला कलिमे से तुमने इस औरत को लिया है इससे क्या मुराद है इन हम आगे बतलाएंगे अल्लाह के कलिमे से मुराद ये है कि इस्लाम मुसलमान मर्द को मुसलमान औरत दी जाती है आप कलिमा पढ़ते थे ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल इसीलिए आपकी उस औरत से शादी हुई अगर आप कलिमा पढ़ने वाले ना होते तो शादी नहीं होती थी इससे यही मुराद है और साथ साथ कहते हैं वालकुम अल्लाह न फ़ुरशकुम अदन तक और औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि वो किसी ऐसे मर्द को अंदर दाखिल होने न दें जिसे तुम नापसंद करते हो देखा आपने औरतें किसी मर्द को ऐसे घर में दाखिल होने न दें जिसे आदमी नापसंद करता है आदमी घर में होता है या नहीं होता है बहुत सारे लोग अगर रिश्तेदार हैं मुहरम है बात अलग है लेकिन अनजाने आदमी आपकी मौजूदगी में आता है नापसंद करते हैं तो औरत के लिए ये इजाजत नहीं कि उसे अंदर आने की इजाजत दे जब तक शोहर राधी ना फा हो फारिक अगर औरतें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई गैर शर्ी काम करें शरीयत से हटकर कोई काम करें फू हर बन गैर मुबर्र आदमी हल्की सी मार मार सकता है तो ये इस्लामी शरीयत का कानून है लेकिन हर जगह हर मुल्क का कानून अलग होता है जहाँ इस्लामी शरीय है वहाँ चलेगा यहाँ का कानून अलग है यहाँ अगर आदमी मार न खाए ये बहुत बड़ी बात है क्या <laughs> मार ना छोड़ो अगर आदमी मार न खाए अपनी इज्जत और साख रख ले बहुत बड़ी बात है तो बहरहाल कानून के हिसाब से आदमी चले और ये नौबत ना आए कि ना मार खाए ना मारे ये घर शादतमंद वाला घराना होता है अल्लाह की राहमतें इस घर पर होती हैं अल्लाह ताला की खसूस इनायात इस घर पर होती हैं लेकिन इस्लामी शरीयत इतनी इजाज़त देती है कि आदमी अगर औरत शरीयत के खिलाफ वर्जी करती है तो हल्की सी मार मार सकता है ने कहा कि वो हल्की सी मार क्या है जिससे नशान ना पड़े मिसवाक की लकड़ी से ऐसे मार सकता है दरिंदों की तरह नहीं सर के बाल पकड़ रहा है खींच रहा है अजीब जानवर की तरह ऐसे मार मारने की इजाज़त इस्लाम हरगिज़ नहीं देता इसको दलील के तौर पर लेकर कोई ऐसा नहीं बोल सकता है और उसके बाद वो कहते हैं कि अलैकुम अरेन्ना व बिल बिलमूफ़ औरतों के, के ताल्लुक से क्या क्या जिम्मेदारियां आपकी हैं विदा के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए कहते हैं कि मारूफ तरीके से औरतों की रोज़ी रोटी और लिबास तुम्हारे ज़िम्मे हैं मारूफ क्या है मारूफ है कि एक ख़ानदान में खाने का एक क्वालिटी होता है वो जो क्वालिटी है उसे आप मेंटेन करें और कपड़े पहनने की क्वालिटी होती है उसी क्वालिटी को आप ले जाएं। उसकी बहनें जैसे खाती हैं वैसे खिलाएं अगर आप ताकतवर हैं ताकत कमाते हैं उसकी बहनें जैसे पहनती हैं कपड़े वैसे कपड़े उसे पहनाएं अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी बिलमूफ का माना यह है कि उस लोकालिटी में उस माशरे में जो अच्छा खाना होता है जो अच्छा लिबास होता है वो अपनी बीवी को दें ऐसा तो नहीं होगा कि सारे खानदान वाले अच्छा खाएं आप रूखा सूखा खिलाएं अगर नहीं है ताकत नहीं है तो बात अलग है कपड़े उतने आला कीमत जैसे हमारे पास है मामूली से मामूली गरीब तुम्हें ईद के कपड़े खा ख़रीदते के में ख़रीदता क्या हो रफीक भाई क्या शोरूम तो ज़रूरी नहीं ज़रूरी नहीं कि आप वहीं जाएं निशा में जाएं या बड़े शोरूम में जाएं अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया है तो आप ले सकते हैं लेकिन मारूफ यानी इसके साथ इतना महंगा भी नहीं कि इतना घटिया भी नहीं कि ये इसका माना है बिलमाफ आपकी समझ में आ गया होगा जब वहाँ के मुआशरे में वहाँ के रिवाज में जो चलता है उसके बाद कहा गया वक्तुब मैं मेरे बाद दो चीज़ें तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ अगर इन दो चीज़ों को तुम संभाल लोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे इन्हीं इन्हींम तुम बह इन्हींसम तुम बह ये दो चीज़ों को तुम मजबूती के साथ थाम लोगे किताबुल्ला व सुन्नत किताबुल्लाह मेरी अल्लाह अल्ल, अल्ल, ताला की किताब व अंतुम तसअलून अन्नी बाद में अल्लाह के नबी फरमाया कि मेरी सुन्नत ये दो चीज़ें अल्लाह के नबी ने फिर कहा अल्लाह ताला मेरे बारे में तुमसे पूछेगा तुम क्या जवाब दोगे कालू नशहद अन्ना का लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी हम कहेंगे कि आपने तबलीग का हक़ अदा कर दिया हम कहेंगे कि आपने तबलीग का हक़ अदा कर दिया वी सहत आपने हमारे साथ ख़ैर ख़ाही की अल्लाह के नबी आप हक <renew of God> आपने हक अदा कर दिया फ़काल असबा समा अल्लाह के नबी उंगली ऐसे उठाते आसमान की तरफ और ज़मीन में ऐसे ऐसे ज़मीन की तरफ ऐसे इशारा करते और कहते अल्लाश अल्लाह इस पर तू गवाह रहा ये लोग जो कहते हैं सलासमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों को इसको दोहराया ये खुतबे का टेक्स था इबारत थी अल्फाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे आपने इसको सुन लिया इसमें कुछ बातें हैं इसको हम अलग से सुनते हैं एक बात पहली बात हमने सुना क्लमुसलिम अलमुसलिम हराम एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का खून बहाना हराम है शायद दुनिया के मुसलमान इसे समझ जाते आज, आज आप देखेंगे कि इस्लाम के नाम पर जमातों के नाम पर कितने झगड़े होते हैं कितनी लड़ाइयाँ होती हैं कितना खून बहाया जाता है मुसलमान मुसलमान का ये भी अल्लाह का नाम लेकर खून बहाता है वो भी अल्लाह का नाम लेकर मरता है ऐसे ही मरते हैं लेकिन इस्लाम में कहता है हराम है दम व माल हो वह ए रोहो एक मुसलमान का खून उसका माल उसकी इज्जत आप किसी की इज्जत से भी खिलवाड़ नहीं कर सकते जैसे आजकल हमारा मामला है हम लोग कहीं बैठ जाते हैं तो घंटे घंटे, घंटे गीबत करते लगते दूसरों की ये इज्जत से खेलना जिससे हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं कोई करे भला करे लेकिन आप लोग मत कीजिए न किसी की गीबत कीजिए मेरे लिए भी दुआ कीजिए न किसी की गीबत हम करें न किसी की गीबत सुने कभी घरों में भी ऐसे होता है घर की बरकत क्यों ख़त्म होती है गाँव गली के खिस्से पूरे घर में होते हैं वो गाँव वाली आती उन्हें पूरे गाँव गली की पूरी ख़बर लत। हमें बाहर नहीं गए तो भी गाँव वाली क्या करती पूरी ख़बर लाती वो घर में ऐसा हुआ चार घर आ जाकर हाँ तो इससे हमारे घर की क्या हो जाती है बरकत ख़त्म हो जाती आप कोशिश करें कि हम न किसी की गीबत करेंगे न किसी की गिबत हमारे घर में होगी किसी की गबत नहीं होगी और यहाँ एक बात बताई गई इस हदीस में ये बात बताई गई है कि माल बहुत बड़ी चीज़ है आदमी एक आदमी को माल देता है माल कौन देता है अल्लाह देता है इसीलिए हदीस में बताया गया मन कतिल दून माली ही फहुआ शहीद व मन दून दूना इर् शहीद जो शख्स अपना माल बचाते हुए मर जाए वो शहीद है जो शख्स अपनी इज्जत बचाते हुए मर जाए वो भी शहीद है अगर कोई आदमी आकर आपकी जेब में आपका वैलेट छीनना चाहे आप बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं ले लो ले लो आप दे देंगे नहीं देंगे इसलिए कि आपकी दीन का मामला है, आ, ये कोई सदखा खैरात वाली बात नहीं आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं जेब यहाँ से लाते हैं सीने से लगाकर किसी को आप नहीं देंगे अगर इसके लिए आपको लड़ना पड़ जाए तो कोई बात नहीं शहादत का मरतबा है बड़ी मेहनत से हलाल की कमाई है तो माल की जिंदगी में बड़ी अहमियत है इससे आप इतना खाएं, इतने तंदुरुस्त बने कि अल्लाह ताला की इबादत कर सकें लेकिन एक ज़माने में आपने देखा कि इश्तराकी इश्तराकीत का मतलब था कि माल में सबका हक है एक विज़न था जैसे लनन मार्क्स स्टाल ये जो बड़े बड़े लोग थे कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने एक विज़न बनाया कि माल सबका हक़ है माल सब में क्या होना चाहिए बराबर का होना चाहिए तो ऐसा ही एक जमाने में बहुत पहले एक ईरान का एक बादशाह था उसका नाम मुजदक था क्या था मुजदक उसने एक विजन एक फिक्र दिया कि इज्जत में सबकी बराबर किसी की इज्जत खास नहीं कोई किसी को अपनी बीवी बना सकता है कोई किसी को किसी की बीवी खास नहीं किसी का माल भी खास नहीं तो बाद में उसके बेटे अनु शेरवा ने उसको कत्ल किया मुजदक को मुजदक को क़त्ल किया और उस वहाँ से उसका वो फ़िक्र ख़त्म हो गया तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी तारीफ़ की और इसीलिए हदीसों में बताया गया है जैसे कहते हैं फ़ाजरा लियताबि अमारसलि लखी अल्ला ग अगर कोई झूठी कसम बोल कर किसी का माल ले लेता है तो अल्लाह ताली से इस हालत में मिलेगा कि अल्लाह ताली उससे सख्त नाराज़ होगा इसीलिए आप कहेंगे कि आज हमारे ज़माने में जो चीज़ मैं देखता हूँ कि लोग माल छीनते तो नहीं हैं कर्ज़ लेकर कर्ज़ देते नहीं, नहीं आप कर्ज कितने लोगों ने आपसे कर्ज़ लिया होगा कर्ज लेके हम लोग हमारे लोग दुश्मन बन जाते हैं उसके बाद नजर नहीं आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजा जब आया तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या इस मैयत पर कर्ज़ है तो बोला गया कि हाँ कर्ज़ है अल्लाह के नबीसम फरमाया कि अपने साथी का जनाजा पढ़ो मैं जनाजा नहीं पढ़ता यहाँ तक के एक दूसरे सहाबी ने ज़िम्मा ले लिया कि वो कर्ज़ वो अदा करेंगे तब जाकर अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया तो रोज़ी रोटी अल्लाह ताला की तरफ से होती है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया न कसम न बेना हम आयशत हम फ़िल हयात दुनिया सरतुरफ़ आयत नंबर थर्टी टू हम हैं जो लोगों के दरमियान रोज़ी रोटी तकसीम करते हैं दुनिया की ज़िंदगी में और इसी तरह माल उसकी हिफाजत जरूरी है यह भी हम लोग देखते हैं छोटे घर में बच्चा है बच्ची है आप अपना फोन फोन उसे उसके हाथों में दे देते हैं अब बड़ा बीस पच्चीस हजार का फोन है बच्चा बच्चा है एक मार नीचे मारता है खलास कुरान क्या बोलता है इस सिलसिले में वाला कुम बे बेसमझों को अपना माल ना दो समझ में आई बात बच्चा बेसमझ सात साल का बच्चा अबा में गाड़ी चला ले बा गाड़ी की चाबी देता वो वो हिसाब से जो गाड़ी वापस आती फिर तो कहा कि वालाफहाम तु, तु नादानों को बेसमझों को अपना माल ना दो आपकी बाइक आपकी कार आपका मोबाइल या आपका माल है आप अपने बच्चों को जाहिलों को नादानों को अहमकों को नहीं दे सकते हैं। जो उसका लॉस करे अल्लाह ताला के पास इसका जवाब देना होगा कब दें उसका भी हिसाब अल्लाह ने बताया फ़ै इन आनस तुम मिन हमश्द फिलहि अम व अगर तुम उनमें भलाई मालूम करो तो उनको उनके माल दे दो समझो कि अब माशा बड़े हो गए हैं अच्छा बुरा समझ सकते हैं तो तब उनका माल उनको क्या कर सकते हैं दे सकते हैं तो अल्लाह तबारक ताल ने कुरान में बहुत सारी जगहों पर इसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है तो हमारे पास एक चीज़ नहीं है कि माल पर सब का हक है ये किसका नज़रिया है किसका विजन है माल में सब का हक है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या बोलते थे कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो कहते हैं कि एक आदमी मालदार नहीं बन सकता सारों को बराबर क्या होना ये, ये नज़रिया इस्लाम का नहीं है ये इस्लाम के नज़रिए में इसकी कोई जगह नहीं है इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की बहुत सारी मिसालें इस सिलसिले में इन्होंने यहाँ नकल की हैं आ, उसको हम आगे बढ़ते हैं बस इतनी बात काफ़ी है अगर आप समझ जाएं तो इश्तराकीत जिसे कहते हैं कम्युनिज्म इसका सबसे पहला दाई जो था वो मुस्तक था अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे अनुशरवा की तारीफ़ करते हुए कहा हा, इन्नी, कहा कि उसने इसको ख़त्म किया इन्हीं माल में दौलत में सब हिस्सेदार हैं उसको ख़त्म किया उसके बाद एक और चीज़ जो खुतबे में हमको मिलती है वो है कि जाहिलियत की जो बातें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़त्म किया और साथ साथ किसे ख़त्म किया अल्लाह के वसल्लम के खुतबे में और क्या बात थी सूद इंटरेस्ट इंटरेस्ट को अल्लाह के वसल्लम ने ख़त्म किया लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं हमारी मुसलमान ख़वातीन जगह जगह सिंधियों की दुकानों में बुरख़ा पहन के खड़ती हैं, पान ब्रोकर की दुकानों में ये सूद खोरों की दुकानों में खड़ती कि नहीं खड़ती है? इसका जिम्मेदार कौन है ये कौन ये हमारी मुसलमान हमारे महल्ले की औरतें हमारी महल की औरतें हैं अगर आप लगाए अंदाज़ा तो आपके ख़ानदान ही से उनका कोई रिश्ता बनेगा खाला पोपी नानी कोई ना कोई ख़ानदान से जुड़ेंगी तो अगर हमारे पास बैतुलमाल होता अगर हम लोग जितने पैसे अपने आसाइश पर ख़र्च करते हैं किसी बैतुलमाल पर ख़र्च करते तो इन सूदखोरों खोरों की दुकान ठंडी पड़ जाती तो आप अगर यहाँ पूरा सर्वे करके देख लें मैं भी जब जब देखता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ मुझे उन दुकानों में वो बुरख़ा पुरुष खुवान वहाँ से निकलती नजर आती हैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुसलमानों को इतना मुस्त इतना मुस्तगनी बना दे कि इनकी चौखट मुसलमान खातून न चढ़े मुसलमान औरतों को अल्लाह ताला परेशानियों से नजात दे दे उसके लिए ज़रूरत है कि मुसलमान मर्द मेहनती बने जफाकश बने अल्लाह ताली से हलाल रोज़ी को मांगें बरकत अल्लाह तलब करें मेहनत करें ताकि घर की खातून किसी सूदखोर के पास जाकर सूदी कर्जा लेने की नौबत उसे न पड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जाहिलियत में जो सूद चलता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान किया और किताब में अहदीस में इसकी हुरमत पर इसकी इसकी कराहत पर इसकी हुरमा इन्हीं चीज़ हराम है बहुत सारी हदीसें उसमें मौजूद हैं अल्लाह के नबी वसल्लम ने यहाँ तक कहा सूद खाने वाले क़ियामत के दिन इस तरह उठेंगे जैसे कोई पागल उठता है चीखते पुकारते उठेगा तो यह सूद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे गुनाह बताए हैं कि सूदी खोर यह गुनाह कबीरा है सूद खाना रिबा ये तो गुनाह कबीरा है जो हमारी जिंदगियों में मुख्तल तरीकों से सूद दाखिल होता है अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को सूद से बचाए अल्लाह के नबी वसल्लम ने सबसे पहले अपने खानदान का इंटरेस्ट माफ किया तो कहा रिबन, कितनी बातें हुई पहली बात तौसीफ़ साहब हमने पहली बात सुनी अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे खुश रखे हमने पहली बात सुनी कि एक दूसरे का माल एक दूसरे पर क्या है एक दूसरे का खून नहीं बहाना चाहिए उस पर अल्लाह ताला से डरना चाहिए एक दूसरे की इज्जत ये भी नहीं दूसरी चीज़ हमने कहा कि जाहिलियत की तमाम रस्में इसमें सूद, जाहिलियत की इसमें ये सूद सबसे बड़ी चीज़ है इससे बचने की कोशिश आदमी करनी चाहिए और व इन तुब तुम तोबा करने के बाद तो असल माल तुम्हारे लिए है न म्म करो न जुल्म किए जाओ तो असल माल आदमी ले सकता है किसी के आदमी को कर्ज दिया सूद माफ़ करके जो असल पैसा है वो पैसा ले सकता है उसकी इजाज़त तीसरी बात एक और चीज हमारे पास थी फतकुल्लाह फतकुल्लाह फन्न कुम अखत तुमोहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो क्या बोलते हैं औरतों के बारे में अल्लाह से डरो औरतों के बारे में अल्लाह से डरो तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है क्या लिया है ये अमानत है अल्लाह ताला की अमानत के तौर पर लिया है तो अल्लाह ताला ने क़ुरान मजीद सौरतुल्निस आयत नंबर नाइनटीन जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वाश्रोन्नाबिल्माफ औरतों के साथ मारूफ अंदाज से ज़िंदगी बसर करो मैं आपको मारूफ का माना समझाया मारूफ किसे बोलते हैं अकरम मारूफ का माना समझ गए आप अरे मारूफ का माना कौन समझे कोई एक सौ समझ रहेंगे कोई समझे एक भी नहीं समझे आप समझे जुनेद भी मारूफ आप बोलिए क्या है मारूफ? मारूफ का मतलब है वहाँ के लोकालिटी में जैसे होता है औरत को खिलाओ कैसे खिलाओ मारूफ के साथ मतलब वो खानदान में वो माशरे में वो सोसाइटी में जैसे सब भी खाते हैं वैसे औरत को तुम्हें क्या करो तुम्हें खिलाओ औरत को शिकायत नहीं रहेंगी उन ऐसा जीते हैं उन्होंने ऐसा जीते हैं तुम्हें क्या डालते हैं खाली चावल के मूटे उतारते हैं ऐसा नहीं हो तो मेरे पास एक साहब थे उन्होंने कई शादियाँ की महीना आता तो तीन बीवियों की तीन घरों में एक एक चावल का मूटा उतारा बोला भाई कभी ने पूछा क्या तुम्हारी बीवा सिर्फ चावल खाएंगी बोला क्या आदमी के पास ताकत है तो करे नहीं है तो आदमी ना करे हाँ जिसमानी ताकत है माली ताकत है आदमी करे तो मारूफ का मतलब समझा आपने आप मारूफ का मतलब उस ख़ानदान में उस सोसाइटी में जैसे लोग पहनते हैं वैसे बीवी को पहनाएं लोग उस ख़ानदान में उस सोसाइटी में उस महल्ले में जैसे खाते हैं वैसे आप अपनी बीवी को खिलाएं न एकदम हाई फाई न एकदम रद्दी दरमिया कस्म का अब मारूफ का माना समझ में आया यहां मरूफ कहते हैं वाशरो न बिलमआरूफ औरतों के साथ वैसे सलूक करो मरूफ के साथ क्या मतलब दूसरे लोग अपनी बीवी के साथ जैसे अच्छा सलूक करते हैं वैसे तुम्हें क्या करो आरूफ की माने अच्छा सलूक करो यानी तुम कोई अजीब चीज़ मत लाओ जो लोगों में नहीं है माशरे में नहीं है सोसाइटी में नहीं जैसे सारे घर का जिम्मा आप बीवी पर डाल दें सुबह होती पहले फजर की नमाज पढ़ लेगी सारा घर पूरा धो झाड़ो बच्चे को भी संभालो वहाँ किचन रूम में भी तुम भी काम करो उसके बाद वॉशिंग मशीन भी तुम्हें बन जाओ औरत है या कोई मशीन है बोला कि नहीं जितना बोझ उस पर डाल सकती उतना बोझ इस्लाम ने उसे उसका हुक्म नहीं दिया जितना काम उससे ले सकते हैं उतना ही काम अगर औरत अगर कर लेती है तो यह औरत का क्या है एहसान है मर्द पर क्या है ये औरत का एहसान है औरत पर ज़रूरी नहीं <coughs> देखिए इवज़। अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कित के अंदर कुछ टेढ़ापन होता है उसी टेढ़ेपन के साथ उसके साथ जीना करो अल्लाह के नबी सफरमा खुल मरुमिन औरत फंसली की हड्डी से पैदा की गई हड्डी टेढ़ी होती है उसी टेढ़ेपन के साथ उसे क्या करो जीना करो अगर तुम ये समझो कि मैं बिल्कुल सीधा हूं उसे भी सीधा करने की कोशिश करूँगा तो सीधा तो नहीं होगा टूट जाएगी वक उसका टूटना ही तलाक है तो क्या करना जैसे है वैसे एडजस्ट कर ले को जाते रहना लेकिन उसी टेढ़ेपन पे नहीं छोड़ना कोशिश करना है आप उसे क्या करें खैर करें कभी उल्टा भी होता है कभी औरत नेक आबिदा जाहिदा कानिता होती है शोहर गलत होता है समझाती है कि भाई नमाज पढ़ दे आ, बुरी आदतों को छोड़ दे कभी वो नहीं छोड़ता तो ऐसा कभी होता है कभी शोहर नेक है कभी बीवी नेक है दोनों नेक है तो घर जन्नत है अल्लाह हर एक को ऐसा घर आता फरमाए तो यहां इस बात को बताया गया काला तो सल्लम यही ताला अन्हु की हदीस मैंने आपके सामने सुनाई थी कि इन मरअत तक दिल हदीस में बताया गया औरत पसली की तरह है तुम्हारी पसली कैसा सीधा है कि सीधी है दर राहत दल को देख अच्छा पस औरत कैसी है पसली की तरह है इन दहब तु कीम कसर तहा अगर तू उसे सीधा करने लगेगा तोड़ डालेगा क्या होगा तोड़ डालेगा व इन तरक इस्तम आत बिहा अला इवज इस्तम तिहा अला इवज अगर तू तारुस नहीं करेगा तो टेढ़ के बावजूद भी फ़ायदा हासिल करेगा थोड़ा बहुत होता है आदमी फ़ायदा हासिल करेगा तो खासकर औरतों आद्मी आद्मी के साथ कहा गया कि आदमी औरतों के साथ हसन सलूक करे तो औरतों से कहा गया कि वो घर में रहे घर के मसाइल को देखे बच्चों की देखभाल करे घर के जो काम काज हैं उसे अपनाए है। जैसे हदीस में भी बताया गया फमसा कुम भी और तसरी बेहसान दस्तूर के मुताबिक अपने पास रखो या अच्छे तरीके से छोड़ दो बीवी के साथ जीना चाहते हो अच्छे तरीके से रखो छोड़ना चाहते हो अच्छे तरीके से छोड़ दो तो इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक बात भी अपने इस खुतबे में बताई और कहा कि वल हन् नले कुमरस्क व किस्वत बिल मारूफ औरतों के लिए मरूफ़ हिसाब से यानी दस्तूर के हिसाब से उनको रोज़ी रोटी देनी है यानी खाना पीना कपड़े ये सारे आप लोग क्या करेंगे उनका बंदोबस्त करेंगे औरत के लिए खाने का बंदोबस्त है कपड़े पहनने का बंदोबस्त है ये सारी ज़िम्मेदारी शोहर की है। शोहर की जिम्मेदारी है औरत पर ज़रूरी नहीं है कि वो काम काज करे काम के लिए जाए या औरत पर ज़रूरी नहीं है मर्द की ज़िम्मेदारी तो ये बातें हो गई उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात वहाँ बतलाई है जिसमें कहते हैं तरक्सम तुम बेही किताबुल्लाह एक तीसरी चीज़ जो खुतबे में बताई गई कि अल्लाह ताला की किताब तुम्हारे पास जिसमें करने के बातों का हुक्म है कुन बातों से मना किया गया कुछ चीज़ों से अल्लाह ताला की किताब है जो तुमसे कहती है अल्लाह ताला की किताब सिरा मुस्तकीम आदमी को सिखलाती है और अल्लाह ताला की किताब में इतनी तातीर है जैसे आपने सुना होगा कि सूर लहब जब नाजिल हुई कौन सी सूरत है तब अबी लहबराब काब्ला का सहन है अल्लाह के नबी बकर के साथ बैठे हैं तो अबू जहल की बीवी आई उम्मे जमील आकर उसके हाथ में डंडा था डंडा लेकर दौड़ते हुए आई आकर बोला कि अबू बकर से पूछ रही आ, मुदम्मम अल्लाह के नबी नबीसम के नाम को उसने बदल दिया था मोहम्मद को बदल दिया था मुदम अरे वो तुम्हारा दोस्त बुरा कहाँ है मुदम्मन अल्लाह के रसूल वहीं बैठे हैं अल्लाह के नबीसम से अबू अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी वो आ रही है उम जमील उसके हाथ में डंडा है तो मुश्किल है मामला अल्लाह के नबी सा फरमाया कि नहीं वो हमको नहीं देखेगी मुझे नहीं देख सकी जब सूर लहब नाजिल हुई थी जिसमें उसका जिक्र था फी जी दिहा हबल मसद उसके गले में रस्सी होगी और वाकई उसकी मौत वैसे ही हुई तो अल्लाह के नबी सा फरमाया कि वो मुझे नहीं देखेगी वैसे ही हुआ अल्लाह के नबी वहाँ बैठे हैं और वो देख नहीं पा रही है बुरा कि कहाँ है तुम्हारे दोस्त मोहम्मद अल्लाह ताला ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया ये कुरान है जिसका असर यह हुआ कि अल्लाह ने उसे अंधा कर दिया जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं इमाम खुरतबी ने बास सूरतों को लिखा है सूरह यासीन जैसे यहाँ भी उन्होंने लिखा कि इमाम खुरतबी रहम्ला ने बड़ी तफसील से लिखा कि सूरह यासीन है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त पढ़ते हुए निकले तो काफ़िर अंधे हो गए उनको समझ में नहीं आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आँखों के सामने से जा रहे हैं तो बहर कैफ़ कुरान अल्लाह ताला की किताब है क़ुरान की बरकतें हैं क़ुरान सिर्फ़ रमज़ान में पढ़ने के लिए नहीं हैं साल भर हम पढ़ें मैं हमेशा अपने बच्चों से हमारे नौजवान दोस्तों से कहता हूँ कि आप लोग कुरान याद करें मिनिमम रोज़ाना घर में उठाकर कुरान पढ़ें एक मरतबा अपने आँखों से देखें देखें उसका कितना फ़ायदा होता है घर वालों पर बच्चों पर एक मरतबा मैं भी अफसोस करता हूँ कि हमारे बच्चे घंटों मोबाइल में रहते हैं घंटों मोबाइल में रहते हैं लेकिन दस मिनट के लिए उठाकर अपने हाथों में कुरान पकड़ने को तैयार नहीं कुरान लेने को तैयार नहीं और हम चाहते हैं कि अल्लाह से सारे ख़जाने बटोर लें कैसे होगा अल्लाह की किताब से मैं नफ़रत करूँ अपने चंद पैसों के मोबाइल से मोहब्बत करूँ और मैं समझूँ कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे अल्लाह अपनी नामतें दे दे कैसे मुमकिन है मुमकिन नहीं आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला की किताब से अपना रिश्ता मजबूत करें और दूसरी चीज <coughs> जिसमें वो कहते हैं कुरान मजीद दो चीजें तो बताई एक अल्लाह ताला की किताब और दूसरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत लेकिन कुरान जिसकी खसूसियत के बारे में वो बताते हैं

छुप जाते थे यानी कुरान मजीद की आयतें ये इमाम कुरतबी का तजुर्बा है और उन्होंने तीन आयतों को लिखा है जिससे इंसान दुश्मनों से छुप जाता है तो वो तीन आयतें उन्होंने कहा कि एक क़हफ आयत नंबर फिफ्टी सेवन इलाम तुफ़ी जिससे अल्लाह दुश्मनों से उसे छुपा देता है سوره النحل كياته أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم سوره النحل آیت نمبر او سوري جاثيا كياته افارعتا مني تاخذ الى هو 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 وَجَعَلَ على व जा ला आयत नंबर ट्वेंटी थ्री तो इन तीनों आयतों के बारे में कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ते तो मशरकिन से मस्तूर हो जाते अल्लाह मश्रक से पर्दा डाल देता था तो काब कहते हैं आ, आ, उसके बाद एक उन्होंने अपना आ, तबसरा करते हुए बहुत सारी चीज़ों का यहाँ ज़िक्र किया है एक सूर्य यासिन आयत नंबर नौ का भी जिक्र किया है खुरतबी कहते हैं इमाम खुरतबी मशहूर हैं आप जानते हैं तफसीर खुरतबी उनकी शेख इमाम खुरतबी कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दुश्मनों के मुल्क में गया दुश्मनों के मुल्क में गया और दुश्मनों ने मुझे भगाया और भागते भागते ये खुले मैदान में मैं बैठ गया मेरे सामने से दुश्मन आए घोड़े पर सवार थे उन्होंने मुझे देखा नहीं वहाँ मेरे छुपने की कोई जगह नहीं थी मैंने सूर्य यासीन की इब्तदाई आयत और दूसरी आयतें पढ़ता रहा वो मेरे पास से गुज़रे फिर वापस आए उन्होंने मुझे नहीं देखा अल्लाह ताला ने मेरे और उनके बीच में पर्दा डाल दिया ये इमाम खुरतबी रहम्ला लिखते हैं और बाद में उन लोगों ने कहा कि अरे वो जो भागा शायद कोई जिन था जो हमको नज़र नहीं आया हालांकि मैं वहीं बैठा हुआ था हकीक़त में अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया ये उनका तजुर्बा है जो इमाम खुर्तब रही कहते हैं अल्लाह आलम अल्लाह ताला बेहतर जानता है लेकिन कुरान की आयतों में तासीर है हर क़ुरान की आयत अपनी जगह असर रखती है आप जैसे जिस आयत को पढ़ेंगे अल्लाह वो हिसाब से उसमें असर जरूर देगा शिफा के लिए पढ़ें बरकत के लिए पढ़ें अल्लाह ताला उसमें जरूर उसका असर देगा एक और चीज़ जो इस हदीस में हमको मालूम होती है वो ये है वह अन तुम तस्लून अन्नी फमादा अन तुम का अल्लाह ताला मेरे बारे में तुमसे पूछेगा तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे मैंने क्या किया तो लोगों ने सारों ने जवाब दिया कि हम गवाही देंगे कि आपने हक अदा कर दिया आपने नसीहत हमारी खैर कवाही की आपने हक अदा कर दिया तो सारी बातों का अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने जवाब दिया तो ये बेहतरीन गवाही थी जो साहब इकराम ने दी तो इसीलिए कहते हैं कि सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचा दी तो अब शरीयत में किसी चीज़ को बढ़ाने और घटाने की गुंजाइश नहीं मीलाद के नाम से या दूसरे नामों से जो लोग बिदाते घड़ते हैं वो दीन में बढ़ाते हैं कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो मुकम्मल नहीं किया हम मुकम्मल करते हैं हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल कर दिया और दीन में कोई चीज़ ना अब घटेगी ना बढ़ेगी जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन छोड़ा वो दीन क़ियामत तक के लिए उस दीन में अब कोई रद्दोबदल नहीं हो सकती अभी ये कॉमन सिविल कोर्ट का मसला है ये लोग क्या चाहते हैं हमारी शरीयत को बदलना चाहते हैं हमारी शरीयत अल्लाह ताला की बनाई हुई है अब ये लोग जो बदलते हैं उसमें कई अमेंडमेंट्स लाते हैं बदलाव करते हैं हमारी शरीयत में कोई बदलने वाली चीज़ नहीं इसलिए कि हमारी शरीयत अल्लाह की तरफ से मुनजल अल्लाह है अल्लाह जिसने हमको पैदा किया है हमारे मिजाज को जानता है उसी हिसाब से अल्लाह ने हमारा कानून बनाया है एक चीज़ और इससे मालूम होती है कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने आसमान की तरफ इशारा किया उलमा ने कहा कि उससे ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला का अर्श कहाँ है ऊपर है अल्लाह के नबीलम इसी इसीलिए इशारा किया ऊपर इशारा किया उंगली से इशारा किया और लोगों से कहा कहाशावा अल्लाह अर्श पर बराबर हुआ मुस्तवी है इतना लफ्ज़ हम कहते हैं अल्लाह ताला तालश पर मुस्तवी है बहुत सारी हदीसें इस बारे में आई हैं तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर सा खुतबा था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विदा के मौके पर दिया था इसमें बहुत सारी बातें जो बातें आई थी मुख्तसर से हमने सुन लिया है और कुछ अलग खुतबे हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें और भी मुफसरीन ने इसमें बढ़ाई हैं कहते हैं अला यजनी जान इल्ला अला नफसी अगर कोई गलती करता है अगर कोई जुर्म करता है तो उस जुर्म की सज़ा उसी को मिलेगी उसके फैमिली में से किसी को नहीं मिलेगी ऐसा नहीं होगा कि बेटा गलती करे तो बाप को गिरफ़्तार कर लिया जाए ऐसा नहीं होगा बेटी ही को गिरफ़्तार करेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही और साथ साथ कहा अला शैतान मायूस हो गया है कि तुम्हारे इस शहर में उसकी इबादत की जाए शैतान की इबादत अब तुम्हारे इस शहर में नहीं की जाएगी तो वहाँ से सारी इबादत के अड्डे बड़े बड़े बुथ है जिसे निकाल दिए गए और शैतान बिल्कुल मायूस हो चुका है वाला बवीमा तहतरू नमिन लेकिन शैतान की बास बातों में तुम इत करोगे जिसे तुम हकीर समझते हो यहाँ तक कि और हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि एक जमाना ऐसा आएगा दिल खलसाह एक बुत था जो यमन में पूजा जाता था उस बुत की दोबारा पूजा होगी औरतें उसका तवाफ करेंगी वो क़ियामत की निशानी होगी क़ियामत की निशानी होगी जैसे आज कल हम लोग देख रहे हैं कि तवाफ़ अल्लाह का हक है काबतुल्ला जाकर लोग तवाफ़ करते हैं लेकिन इधर आप चले जाएँ तो अभी ख़बर दरगाहों पर आप देखेंगे कि लोग खबरों का तवाफ़ करते हैं उनको मालूम है कि ये गलत है उसे वो सवाब समझ कर करते हैं और और ऐसा और हम कहते हैं कि ऐसे लोग मुशरक हैं अल्लाह ताली का जो हक है उन्होंने इस साहब क़बर को दे दिया तो इसीलिए कहते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम ने हदीस में भी इसकी वजाहत करते हुए बताया कि ला ذل अलाखल अल्लाह के नबी सा फ़रमाया कि किमत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कबीले की ذل िलखला बुद्ध के अतराफ़ तवाफ़ करेंगी उनके पीछे का हिस्सा यानी बिल्कुल कहा कि जैसे दौड़ दौड़ कर वो तवाफ करेंगे जिसे बताती तो अल्लाह अकबर एक जमाना ऐसा आ जाएगा और भी हदीसों में बताया गया तो लात और उज्जा की इबादत की जाएगी और आखिर में अल्लाह के नबी सासरम ने यह भी फरमायादीना दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं होगा दु मदीने से बाहर तबूक जाने का जो रास्ता है वहाँ एक नमकीली ज़मीन है आ, बड़ा सा इलाक़ा बताएगा कि यहाँ तक दज्जाल आएगा मदीने में दाखिल नहीं होगा अल अलमला इिकलाका अनकाबिल मदीना मदीने के दरवाज़ों पर मदीना जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ इंट्रेंस जहाँ जहाँ है वहाँ फरिश्ते होंगे दज्जाल को दाखिल होने नहीं देंगे अच्छा दजजाल क्या करेगा मदीने के बाहर जहां वो पड़ाव डालेगा वहां दोनों पैरों से ऐसे नाचेगा मदीने में भोंछाल आ जाएगा मदीने में क्या हो जाएगा भोंछाल का मतलब समझने इना हारून भाई भों चाले एर्थ को एक जैसे बोलते हैं, वो दज्जाल मारेगा पैरों से मदीन मदीना ऐसे हलेगा तो मदीने में जो उसके असिस्टेंट होंगे दज्जाल के वो लोग पूरे मदीने से निकल को क्या करेंगे अपने यजमान के पास चले जाएंगे दज्जाल के पास देखा वो खुद आया नहीं क्या कर अपनों को बुला लिया अच्छा इधर आ जाओ पूरे जितने भी हैं पूरे उसके पास चले जाएंगे कहते हैं फेज आरही ही कुल्ला काफ़ी कुल्लू का फिर इन वोनाफिक दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा बल्कि सब खा एक नमकीली जमीन है वहां वो पड़ाव करेगा स्टे करेगा और मदीने में तीन बार जलजला आएगा जब वो नाचेगा या उसके क़्याम से मदीने में जलजला आएगा सब काफिर और मुनाफिक निकल जाएंगे। मदीने से क्या हो जाएंगे निकल जाएंगे, मदीना साफ़ हो जाएगा सारे मदीने में जितने बैठे हैं सा, अभी भी बहुत सारे वहाँ हैं बहुत सारे बैठे हैं तो ये सारे के सारे क्या करेंगे सारे निकल जाएंगे बहुत सारे बिदाती हैं लोगों का ईमान ख़राब करते हैं मदीने में जमे हुए हैं और बिदाती हैं मुशरिक हैं और, और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और लोगों को बहकाते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस दिन क्या हो जाएंगे वो लोग निकल जाएंगे तो इसमें यही कुछ बातें थीं और आखिर में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शैतान की तात तो नहीं होगी लेकिन कुछ बातें होंगी जिससे शैतान की तात हो जाएगी उन बातों में से जैसे कहा कि नमाज में वसवसों के आना हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन अचानक शैतान हमको क्या करता है कहीं लेकर चला जाता है एहसास नहीं होता कि हम नमाज में हैं। तो नमाज कहा कि खुशु खुदू के साथ पढ़े कहा कि सबसे पहले ये चीज़ होगी क़ियामत के निशानियों में से कि लोगों के नमाजों से क्या उड़ जाएगा सुकून और खुशू खुद उड़ जाएगा तो उसके बाद वो कहते हैं कि खासकर हम लोग जो दीन का काम करने वाले हैं वो दीन का बेड़ा उठाएँ दावा में अपने आप को लगाएँ अल्लाह के वसल्लम ने ये दीन आपके मेरे कान्धों पर डाल दिया है इस दीन की ज़िम्मेदारी मेरी और आपकी अल्लाह के नबी नबीम नहीं हैं लेकिन अल्लाह के नबी नबीम के हम उम्मती हैं इस दीन को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बड़ी हदीस में ही कहा कि अल्लाह मशहदलामर्रात अल्लाह के नबी नबीसम ने तीन मरतबा कहा कि अल्लाह मैंने इस दीन को लोगों के दरमियान पहुँचा दिया है मेरे कैफ़ और भी बहुत सारी बातें हमारे पास हैं इशा फिर कभी हम सुनते हैं और आखिर में अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक ही बात बताई व नस्तलमसलिम मुसलमानों के जो बड़े हैं आपके अमीर हैं उनसे आप जम कर रहें इतफा इतिहाद के साथ रहें व लुज़ूम जम जमात के साथ जुड़ कर रहें बहसियत मुसलमान हम जमात के साथ जुड़ कर रहें अल्लाह के नबी वसल्लम ने उस खुतबे में इसी बात की ताक़द की और भी बहुत सारे खुतबे हैं ये चंद बातें इन याद रख लेते हैं अमल कर लेते हैं तो हमारी नजात के लिए काफ़ी है अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विदा की उस खुतबे में जो बातें बताई हैं उस पर अमल करने की मुझे और आपको तोफ़ी दे बहुत सारी अनमोल बातें थी जो हमने आज की इस दरस में सुना है अल्लाह ताला से हम सब अमल की तौफीक चाहते हैं अल्लाह ताला इस मजलिस को बाबरकत बनाए जितना वक्त हमने यहाँ बैठा है सर्फ़ किया है अल्लाह ताला उस वक्त का अजर अज़ीम हमको आता फ़रमाए अल्लाह ऐसा इल्म आता फ़रमाए जिससे हमें अल्लाह की पहचान हो अल्लाह ताला हम सब की आकिबत संवार दे हमारी को हल फरमा दे हमारी तंगदस्ती को दूर कर दे हमारे रिस्क में रोटी में अल्लान व तआला बरकत अता फ़रमा दे अल्लाह हमारे दिलों में उल्फत मोहब्बत अता फ़रमा दे अदावत बोस हसद ये सारी बुराइयों से हमें बचाए रखे आलमीन हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमा हमारे दिलों में मोहब्बतें अता फ़रमा दुश्मनियाँ नफरतों को हमारे दिलों से निकाल दे آمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته